जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत, मैं हूँ आपका दोस्त अमर शुक्ला। ये जो लंगर पक रहा है ये ठीक उतने ही समय में पक रहा है जब दिल्ली के आईटीओ पर किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा है। तो ये लंगर उस वक्त पक रहा है गुरु रामदास की वसाई नगरी अमृतसर में, और ये लंगर किसानों को समर्पित है और बाबा दीप सिंह जी का जन्मदिन है उनको समर्पित है। तो ये लंगर, विशेष लंगर किसानों के लिए यहाँ पर तैयार किया गया है, और यहाँ पर किसानों की जो आज रैली निकलेगी उनके लिए लंगर तैयार है, और बाबा दीप सिंह जी का जन्म दिवस है तो ये लंगर तैयार किया जा रहा है। तो हम अब मिलते हैं और बात करते हैं कैम्ब्रिज इंटरनेशनल के MD साहब। सर ये बताइए, ये जो लंगर है, एक तो बाबा दीप सिंह जी का जन्मदिवस तो है ही, दूसरा किसानों को आपने समर्पित किया है, और इसी समय दिल्ली के आईटीओ पर किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है। सो सब तो पहला वाहिगुरु जी का खालसा ते वाहिगुरु जी की फतेह। अज बाबा दीप सिंह जी का जड़ा है जन्म दिहाड़ा है, तो 26 जनवरी रिपब्लिक डे आ, तो अज साडे किसान भी जड़े दिल्ली च ट्रैक्टर मार्च कढ़न दे आ। सो अज बाबा दीप सिंह जी के जन्म दिहाड़े नूं असीं हर साल मनाउने, ते किसानां लई भी अज असीं पाठ करवाया सुखमणी साहब दा, ते अरदास कीती आ कि परमात्मा किसानां दी चढ़दी कला लई जिहड़ी हैगी उहनां दीआं चढ़दी कला करे, ते उहनां दीआं जिन्नियां भी मनोकामना हैगीआं उह पूरीआं करन, ते सरकार उहनां दीआं मंगां मन्ने। ते इह हर साल ही असीं लंगर लाउने आ, ते अज खास जिहड़ा समर्पित किसानां लई आ। सो किसानां लई अरदास कीती असी पाठ करवा के, ते बाबा दीप सिंह दा जन्म दिहाड़ा भी अज मना रहे हैं, ते ए संगतां लई जिहड़ा ओह लंगर असी तैयार कीता हैगा। तो बहुत बड़ी बात है, और किसानों के हक में लिए यार यहाँ पे अखंड पाठ का भी आयोजन किया गया और लंगर का भी आयोजन किया गया। तो एक तरफ दिल्ली में आईटीओ पर किसानों पर लाठी चार्ज हो रहा है, दूसरी तरफ अमृतसर में और किसानों के लिए इस रंजीत एवेन्यू में ये लंगर पकाया जा रहा है कैम्ब्रिज इंटरनेशनल अकेडमी के द्वारा। और JP सिंह अभी हमारे साथ थे, उन्होंने हमें बताया कि किसानों के मनोकामना पूरी करने के लिए अरदास भी हुई है और ये लंगर भी तैयार किया जा रहा है। तो ये अभी लंगर बांटा जाएगा, हम बांटने की भी तस्वीर आपको दिखाकर विदा लेंगे। तब तक बने रहिए लाइव भारत पर। ਔਲਾਦ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਮੈਡੀਕੋਮ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸੈਂਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਗਰਭ ਦਾ ਨਾ ਠਹਿਰਨਾ, ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਤੀ ਇਲਾਜ। चौदह से लेके 16% तक जो नई जनरेशन के कपल्स हैं वो इनफर्टाइल हैं, क्योंकि उनका खाना पीना रहन सहन इनएक्टिव लाइफस्टाइल इसमें बड़ा रोल प्ले करता है। और बेसिकली आज की डेट में 50-60% लोग जो माँ बाप नहीं बन पा रहे वो सिर्फ इसी वजह से हैं कि उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है इनएक्टिव खान पान की वजह से स्पर्म्स काउंटिंग की कमी होना। निराश हो चुके जोड़े एक बार जरूर संपर्क कर मेडिकोम आयुर्वेदिक सेंटर अमृतसर।